हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, इंडिया यूरोप एंड मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर विल क्रिएट जॉब्स, ऐसा मोदी जी ने बोला है। पर कैसे ये जॉब क्रिएट करेगा, तो चलिए देखते हैं। इन इंडिया मिडिल ईस्ट द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विल रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट, इंक्रीज लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी एंड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इन मुंबई रिसेंटली। अंडर इंडियाज इनिशिएटिव अ स्टेप हैज बीन टेकन दैट एज अ पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द ग्लोबल मेरीटाइम इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी। ड्यूरिंग द G20 समिट अ हिस्टोरिक कंसेंसस हैपेंड फॉर द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सेवरल ईयर्स अगो सिल्क रूट हैड स्पेड अप ग्लोबल ट्रेड। दिस रूट बिकेम द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज। दिस हिस्टोरिक कॉरिडोर टू विल चेंज द फेस ऑफ द रीजनल एंड ग्लोबल ट्रेड, PM सेड। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट एंड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, आइलैंड डेवलपमेंट, इनलैंड वाटर एक्सपेंशन ऑफ मल्टी मॉडल हब वुड बी टेकन अप अंडर दिस प्रोजेक्ट। दिस कॉरिडोर विल रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट, इंक्रीज लॉजिस्टिकल एफिशियंसी, रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्प इन क्रिएशन ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स फॉर द इन्वेस्टर। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू अलाइन विद इंडिया एंड बिकम पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। तो मतलब भाई, इंडिया में पैसा भेजो, इन्वेस्ट करो। मोदी ऑल्सो डेडिकेटेड इनोग्रेटेड अ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 21 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 18,000 करोड़। द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड रुपीज 4,539 करोड़ ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ द दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट DPT एट टूना टेकरा इन गुजरात, दैट वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब as a part of India Middle East Europe Economic Corridor at an inaugural event of the summit. However, the Prime Minister did not touch upon the Greenfield Container Terminal in his speech. He said the capacity of the major port have doubled in the last decade. Theek hai? The turnaround time for container vessel in 2014 was about 42 hours. This has reduced to less than 24 hours in 2023, he added. The Prime Minister also said that In the past one decade, coastal shipment traffic has doubled, while the cargo handled by the inland waterway have grown 4 times. India will be among the top 5 shipbuilding nation in the next few decades, PM Modi said, pointing out that the ship leasing activities have begun in gift cities, where 4 major ship leasing companies have already registered with gift IFSC. He also referred to अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बींग बिल्ट इन दी लोथल। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखें इंडियन यूरोप मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड आप देखिए हमारे मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आप देखिए, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड टाइम जो था अपना 42 आवर से 24 आवर हो गया, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप देखिए यहाँ पे जो कोस्टल शिपिंग ट्रैफिक है, सेकंड आप देखिए कोस्टल शिपिंग ट्रैफिक है आपका, ये आपका हो गया है डबल इंटू टू हो गया, ठीक है। इनलैंड वाटरवे जो है आपका, इनलैंड वाटरवे वो आपका ग्रो हो गया 4 टाइम्स। तो ये तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्चुअल डेटा हो गया। और आपके देखिए मेजर पोर्ट की कैपेसिटी, मेजर पोर्ट कैपेसिटी जो है वो इंटू 2 टाइम्स हो गई है, ये आप 2014 से 2023 की बात कर रहे हैं, इस बीच में ये सारी चीज़ें हो गई है 1, 2, 3, 4, ये सारे डेटा हम लोग को ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए। एक ग्रीन फील्ड कंटेनर का हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लोथल हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो मेरीटाइम म्यूजियम हमारा बन रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोथल हमारे लिए। और आप देखिए गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, और गिफ्ट सिटी में आप देखिए एक और चीज़ था यहाँ पे शिप बिल्डिंग नेशन, हाँ हम लोग टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन में आ जाएंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गिफ्ट सिटी हो गया आपका, शिप
लीजिंग एक्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं। इंडिया का फ्यूचर बता रहे हैं कि क्या होगा। लोथल में जो म्यूज़ियम बन रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये G20 में जो इस समिट का हम बात किए थे कॉरिडोर का, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या है इसमें, इसमें ये बता रहे हैं कि भाई इससे जॉब्स आएंगे, ठीक है, जॉब्स आएंगे, आपका जो एफिशिएंसी है ठीक है वो बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आपका नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग को पहले से पता है मोदी जी के इस भाषण में यही थी, और ये कुछ फैक्चुअल डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोथल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल साइट है, IVC आप पढ़ेंगे आप उसमें लोथल पढ़ेंगे, तो ये तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।